नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2020 एजुकेशन में। गाइस, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द स्कॉलर, जिसको लिखे हैं रॉबर्ट साउथे। इनका जन्म हुआ था 1774 में और 1843 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और ये कहानी जो छोटी सी पोएम लिखे हैं, ये पोएम लिखे हैं अपने बारे में। अब ये जीवित हैं लेकिन ये बताए हैं कि जल्द ही मैं मरने वाला हूँ और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरा भी स्थान उन्हीं महान लेखकों के बीच में होगा, ऐसी विश करते हैं। और बता रहे हैं कि मैं अपना जितना भी अपने जीवन में मैं जो भी समय बिताया हूँ, मैं उन किताबों के साथ बिताया हूँ जो महान महान लेखक लिख करके मर चुके हैं। और मैं उन लेखकों का बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ऋणी हूँ कि वह लोग इतनी महान किताबें लिखे, हम उसको पढ़ें। और जब यह सोचते हैं तो इनके जो गाल हैं कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। दोस्तों, आइए अपनी पोएम को शुरू करते हैं। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, मेरे दिन उन मरे हुए लेखकों के साथ बीतते हैं। अराउंड मी आई बीहोल्ड, बीहोल्ड मीन्स देखना, अराउंड मी बीहो आई बीहोल्ड वेयर आर दीज कैजुअल, कैजुअल मीन्स अचानक, आईज आर कास्ट मीन्स निगाह पड़ जाती है, अचानक अराउंड मी चारों तरफ, अचानक मेरी निगाह जहाँ कहीं भी पड़ जाती है मैं अपने चारों तरफ उन्हें ही देखता हूँ। किन्हें? द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराने, उन मरे हुए पुराने लेखकों की किताबों को ही मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। देखिए, मेरे दिन उन मरे हुए लेखकों के साथ बीतते हैं, अचानक मेरी निगाह अपने चारों तरफ जहाँ कहीं भी पड़ जाती है मैं उन महान मरे हुए लेखकों की किताबों को देखता हूँ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मुझे कभी भी धोखा ना देने वाले मेरे मित्र हैं, विद हूँ मैं उनके साथ, आई कन्वर्स डे बाई डे, मैं उनके साथ दिन रात वार्तालाप करता रहता हूँ। कन्वर्स मीन्स बातचीत करना या वार्तालाप करना। दोस्तों, एक बार इसकी हिंदी देख लीजिए। माई डेज, मेरे दिन, मेरे दिन मृतक लेखकों के की पुस्तकों के अध्ययन में बीतते हैं, अपने चारों ओर जहाँ कहीं भी मैं आकस्मिक रूप से अचानक देखता हूँ, जहाँ कहीं भी मेरी निगाह पड़ती है मैं अतीत के महान लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकें देखता हूँ। वे मुझे कभी भी धोखा ना देने वाले मेरे मित्र हैं, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता रहता हूँ, अर्थात उनकी पुस्तकों का अध्ययन करता रहता हूँ। अगला है विद देम, उनके साथ आई टेक डिलाइट इन वील, मैं उनके साथ जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो मैं उनसे आनंद प्राप्त करता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और जब मैं दुख में रहता हूँ तो मैं उनसे सांत्वना प्राप्त करता हूँ, मुझे सांत्वना मिलती है। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं सोचता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई वो, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ, जब मैं सोचता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। माई चिक साहेब ऑफन बीन बेड्यूड, तो मेरे जो ये गाल हैं वो भीग जाते हैं। देखिए किस तरह भीगते हैं। विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, मतलब क्या, मेरे जो ये गाल हैं वह जब मैं विचार करता हूँ तो ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञ होता है, तो मेरे गाल कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार हम इसकी हिंदी बता दे रहे हैं आपको, पिछले पैराग्राफ की। कह रहे हैं कवि कि उनसे मैं सुख में आनंद प्राप्त करता हूँ तथा दुख में सांत्वना पाता हूँ, जब मैं समझता हूँ तथा महसूस करता हूँ कि उनका मैं कितना ऋणी हूँ, तो मेरे गाल कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, अर्थात विद्वान लेखकों तथा उनकी रचनाओं के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। आइए अगला पैरा देखते हैं। माई थॉट्स आर विद द डेड, डेड मीन्स मरे हुए लेखक, मेरे जो ये विचार हैं उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं। विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, मैं उनके साथ अपने वर्ष को बिताया हूँ। मैं आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, पास्ट मीन्स क्या, बीता हुआ समय, मैंने उनके साथ अपने बहुत अधिक समय को बिताया है। डियर वर्चूज लव, मैं वर्चू मीन्स क्या होता है, गुड़, मैं उनके गुड़ से प्रेम करता हूँ। डियर फॉल्स कंडेम्ड, कंडेम्ड मीन्स आलोचना, मैं उनके गलतियों की आलोचना करता हूँ। पार्टेक दियर होप्स एंड फियर्स, होप मीन्स आशा, फियर मीन्स भय, मैं उनके आशा और भय में पार्टेक करता हूँ, भाग लेता हूँ। एंड फ्रॉम दियर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और मैं उनके लेसन मीन्स शिक्षा से, और मैं उनकी शिक्षाओं से विनम्रतापूर्वक, हम्बल माइंड, विनम्रतापूर्वक निर्देश ग्रहण करता हूँ। एक बार इसकी बिंदी देख लीजिए। करा कि मेरे विचार प्राचीन लेखकों के साथ हैं,
तथा मैं उनके साथ अतीत के लंबे समय में रहता हूँ, उनके गुणों को प्रेम करता हूँ, उनके दोषों की आलोचना करता हूँ, उनकी गलतियों की आलोचना करता हूँ, उनकी आशाओं तथा भयों में भाग लेता हूँ, उनकी शिक्षाओं से विनम्रता के साथ निर्देश ग्रहण करता हूँ। अब लास्ट पैरा देखिए दोस्तों, लास्ट पैरा में देखिए क्या है, माई होप्स आर विद द डेड, डेड मीन्स मरे हुए लेखक, मेरी जो ये आशाएं हैं उन मरे हुए लेखकों के साथ हैं, अननोन, जल्द ही माई प्लेस, मेरा भी स्थान विद देम विल बी, उनके ही बीच में होगा, अर्थात जल्द ही मैं भी मर जाऊंगा और मेरा भी नाम उन मरे हुए लेखकों के साथ लिखा जाएगा। मेरी जो आशाएं हैं, मेरी जो आशा है वह उन मरे हुए लेखकों के साथ है और जल्द ही, एनोन में सुन, जल्द ही मेरा भी स्थान उन मरे हुए लेखकों के बीच में होगा, एंड आई विद देम सोइल ट्रबल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी मीन भविष्य में, और मैं पूरे भविष्य में अपने पूरे आने वाले समय में मैं उन्हीं लोगों के साथ यात्रा करूंगा, ट्रैवल करूंगा, मतलब मैं उन्हीं लोगों के साथ हमेशा के लिए रहूंगा। यट फिर भी, लिविंग हियर ए नेम, लिव मीन्स छोड़ना, फिर भी मैं यहाँ पर एक ऐसा नाम छोड़ जाऊंगा, आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है दैट जो कि विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, पेरिश मीन्स नष्ट, डस्ट मीन्स धूल में मिलाना, मुझे विश्वास है कि मेरे उस नाम को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा, अर्थात मेरे उस नाम को कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा। आइए इसकी हिंदी बार फिर से देखते हैं, माई होप्स, मेरी आशाएं प्राचीन लेखकों के साथ हैं, शीघ्र ही या मृत्यु के पश्चात आप कह सकते हैं, मेरा स्थान उन लेख उनके साथ होगा, संपूर्ण भविष्य में मैं उनके साथ अपने दिन बिताऊंगा या उनके साथ यात्रा करूंगा, मैं यहाँ महान लेखकों की भांति अपना भी एक नाम छोड़ जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मेरे उस नाम को लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों आज का हमारा था ये छोटा सा वीडियो, आपको पसंद आया होगा तो आप एक लाइक करें, कमेंट करें, और आपको जो कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम उसको बताने का प्रयास करें गाइस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।